In this lecture, I'm going to discuss social contract theory of Thomas Hobbes. After I finish this lecture, what we are going to learn, let's have a look on that. Hobbes was a product of his time. First, we'll come to learn how he was the product of his time, how the contemporary condition of his time contributed to the making of political ideas of Thomas Hobbes, right? Then we'll learn how to escape from state of nature. State of nature was a condition as envisaged by Thomas Hobbes, where the humans were seemed to be selfish, egoistic, and in perpetual war against each other for the acquisition of resources. So, hum uske upar baat karenge ki state of nature se jo hai kaise nikla jaye. Thomas Hobbes ne uske piche kya ideas diye, right? And also we'll talk on what grounds Thomas Hobbes has taken pessimistic view of human nature. Human nature itna unhone pessimistic view kyon liya? Uske baare mein jo scientific rationale diya Thomas Hobbes ne, uske baare mein baat karenge. Then we'll talk on Hobbes social contract theory, right? And Hobbes will further talk on Hobbes as an individualist and absolutist, right? Absolute individualistic, because he started from individualism, right? And absolutism, because he contemplated for a kind of sovereign authority which is absolute in nature, right? And then we'll finish it how his ideology is liberal as well as illiberal. Liberal in the sense that liberal will corroborate, will be justified by individualism, and illiberal by absolutism. So, in sab ke baare mein hum baat karte hain. Let's begin with his how Thomas Hobbes was product of his time, right? Jis waqt Hobbes ne apne political ideas ko shape kiya, us waqt jo Britain ki contemporary conditions thi, jis tarah ki wahan pe society mein changes aa rahe the, economic sphere mein changes aa rahe the, political sphere mein changes aa rahe the, religion ke bhitar changes aa rahe the, in sab wajahon se Thomas Hobbes ki political ideas bane. क्या वो चेंजेस थे, क्या ऐसे कॉन्ट्रडिक्शंस थे उस समय ब्रिटेन के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं और कैसे इन कॉन्ट्रडिक्शंस की वजह से थॉमस हॉब्स के जो पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो डेवलप हुए. तो सबसे पहले अगर हम बात करें पॉलिटिकल स्फीयर में, राइट, तो ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट थी और पार्लियामेंट कंसिस्टेंटली एब्सोल्यूट रूल, मोनार्क का जो एब्सोल्यूट रूल था उसको खत्म करना चाहती थी, राइट? एब्सोल्यूट रूल को खत्म करना चाहती थी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना करना चाहती थी. जैसे कि हम बाद में जब हम जॉन लोकी करेंगे उसमें हम देखेंगे कि कैसे 1688 में ग्लोरियस रेवोल्यूशन होता है ब्रिटेन के अंदर, और उस ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद पार्लियामेंट को सब्सटेंशियल पावर मिलती है और जो मोनार्क था उसकी अनलिमिटेड पावर को रिस्ट्रेन करके कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में कन्वर्ट कर दी जाती है, राइट? तो एक जद्दोजहद चल रही थी ब्रिटेन के अंदर पार्लियामेंट्री रूल को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल को लेकर, और अनलिमिटेड सॉवरेनिटी, अनलिमिटेड पावर गिवन टू द मोनार्क्स ऑफ दैट टाइम, राइट? तो पॉलिटिकल एरिना में थॉमस हॉब्स के टाइम में जो मोनार्क का एब्सोल्यूट रूल था, राइट, उसको रिस्ट्रेन करने की बात चल रही थी, तो एक जद्दोजहद चल रही थी मोनार्की और पार्लियामेंट के बीच में, राइट? अगर आप इकोनॉमिक स्फीयर में देखें तो थॉमस हॉब्स का वह समय था जब अर्ली कैपिटलिस्ट सोसाइटीज डेवलप हो रही थी. अर्ली कैपिटलिस्ट सोसाइटीज किससे डेवलप हो रही थी? फ्यूडल सोसाइटीज से, राइट? तो यह लिबरल, अर्ली लिबरल फेज था, अर्ली कैपिटलिस्ट सोसाइटीज डेवलप हो रही थी कहां से? फ्यूडल सोसाइटीज से, फ्यूडल इकोनॉमिक सिस्टम से, राइट? तो जो इकोनॉमिक फोर्सेस थे उनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शंस थी, उनके बीच में भी आपस में एक तरह से टकराव जारी था, जद्दोजहद जारी थी, राइट? और सोशल स्फीयर में
सोशल स्पेयर में फ्यूडलिज्म से एक लिबरलिस्ट सोसाइटी की तरफ लोग मूव कर रहे थे, राइट। फ्यूडलिज्म की जो एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और हायरार्कियल सोसाइटी थी उससे इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरफ लोग मूव कर रहे थे। फ्रॉम अ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड हायरार्किकल सोसाइटी पीपल वर ट्रांजिटिंग टुवर्ड्स अ लिबरल सोसाइटी, राइट, लिबरल एंड इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी। क्योंकि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से ही जो है उस टाइम की पॉलिटिक्स होती है, उस टाइम की जो बेसिक आइडियोलॉजी होती है सोसाइटी की, राइट। तो काफी हद तक जो है इकोनॉमिक सिस्टम जो है, इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिक्स, रिलीजन और बहुत सारी चीजों को सोसाइटी को, सोसाइटी के बहुत सारी चीजों को शेप करता है। तो इसमें हमने देखा कि किस तरीके से फ्यूडल सोसाइटी थी उसे एक लिबरल सोसाइटी की तरफ ट्रांजिट हो रहे थे, राइट। तो हायरार्की से या स्ट्रक्चर्ड सोसाइटी से आप इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे थे, राइट। एंड देन देयर वर कॉन्ट्रडिक्शंस इन रिलीजन आल्सो, राइट, देयर वर कॉन्ट्रडिक्शन इन रिलीजन आल्सो। क्योंकि जो उस वक्त की एस्टेब्लिश चर्चेस थी, वहां के चर्चेस के जो नॉर्म्स थे, राइट, उनको भी अटैक किया जा रहा था, उनके बीच में भी जद्दोजहद जारी थी। और चर्चेज को अटैक कौन कर रहा था, उनको हम प्यूरिटन्स बोल रहे थे। तो देयर वाज टसल, टग ऑफ वार बिटवीन चर्चेज एंड प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स प्रोटेस्टेंट को बोलते हैं, राइट। और दीज वेयर द पीपल, प्यूरिटन्स वेयर द पीपल जो कि कंसाइंस की बात करते हैं, राइट, इंडिविजुअल कंसाइंस की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ फेथ या फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। तो इनके बीच में भी जद्दोजहद जारी थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बाद में थॉमस हॉब्स ने जब अपनी थ्योरी दी, उसके बाद में उन्होंने रिलीजन को सबऑर्डिनेट कर दिया, रिलीजन को सबऑर्डिनेट कर दिया सॉवरेन अथॉरिटी के नीचे, राइट। क्योंकि उससे पहले मेडिवल सोसाइटी में रिलीजन यूज टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसको बोलते हैं इक्लेजियास्टिकल मैटर, जो रिलीजियस मैटर है उसमें कंट्रोल कंप्लीटली चर्चेस का होता था। तो रिलीजन को जो है पॉलिटिकल एरिना के भीतर, सॉवरेन अथॉरिटी के भीतर सबऑर्डिनेट कर दिया गया थॉमस हॉब्स की आइडियोलॉजी। तो इस तरह की जद्दोजहद थी, और इन सब कॉन्टेक्स्ट में ही थॉमस हॉब्स ने अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को डेवलप किया, राइट। तो अब हम यहां पे समझते हैं, जिस वक्त थॉमस हॉब्स ने अपनी बुक लेवियाथन लिखी, राइट, 1651 में लेवियाथन लिखी, उससे पहले की कंडीशंस मैंने अभी डिस्कस की, राइट। और हम यहां पे देखेंगे कि किस तरीके से लेवियाथन लिखने के बाद थॉमस हॉब्स ने कंप्लीटली पॉलिटिकल आइडियाज को चेंज कर दिया उस समय के, राइट। उससे पहले 1649 में चार्ल्स वन को एग्जीक्यूट किया गया था, राइट, ही वाज डिपोस्ड। चार्ल्स वन उस वक्त एम्परर था ब्रिटेन का, एंड ही वाज एक्यूज्ड, ही वाज डिपोस्ड फ्रॉम हिज पोजीशन बाय क्रॉमवेल, राइट। और सिविल वॉर चल रहा था, और सिविल वॉर पॉलिटिकल एरिना में चल रहा था उस जद्दोजहद की वजह से, जो कि पार्लियामेंट और मोनार्की के बीच में चल रही थी। पार्लियामेंट खुद को ज्यादा पावर देना चाहती थी और मोनार्की अपने पावर को इंटैक्ट रखना चाहती थी, राइट। तो एक तरह का सिविल वॉर चल रहा था, और इन सब कॉन्टेक्स्ट में ही थॉमस हॉब्स ने अपने पॉलिटिकल आइडियाज बनाए। यहां से हम देखेंगे जब क्रॉमवेल पावर को एक्वायर करता है, और बाद में जब थॉमस हॉब्स सॉवरेन की कंडीशंस, सॉवरेन के आइडियाज को डेवलप करता है, राइट, उस वक्त सॉवरेन का एक सॉवरेन की लेजिटिमेसी का एक मेथड यह भी बताता है कि जो एब्सोल्यूट सॉवरेन होता है, एब्सोल्यूट सॉवरेन को लेजिटिमेट होने के लिए जरूरी है एब्सोल्यूट सॉवरेन जो आपकी लाइफ है उसको प्रिजर्व कर सके, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके, आपको कंप्लीट संरक्षण प्रोवाइड कर सके, राइट। अगर यह सारे कंडीशंस एब्सोल्यूट सॉवरेन कंप्लीट नहीं करता है, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, तो एब्सोल्यूट सॉवरेन की लेजिटिमेसी खो जाती है, उस केस में रेबेलियन पॉसिबल है,
और दूसरा सॉवरेन सॉवरेन अथॉरिटी को ऑक्यूपाई कर सकता है, राइट, जिसको जो है, और इसी वजह से इसने जो है क्रॉमवेल क्रॉमवेल की जो अक्विजिशन है उसको जस्टिफाई किया था, राइट। तो हम देखते हैं यहां पे किस तरीके से जो उसके पॉलिटिकल आइडियाज थे उस वक्त के जो कंटेम्पोररी कंडीशंस थे उनसे काफी ज्यादा इंस्पायर्ड थे, राइट। नाउ वी स्टार्ट टॉकिंग ऑन हिज सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें उसने स्टेट की स्थापना के बारे में बात की कि आखिर स्टेट क्यों बनाया गया, राइट, व्हाई डू वी नीड स्टेट। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में हमारा सबसे पहले जो चीज हम समझते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, राइट। और स्टेट ऑफ नेचर में जो सबसे पहली कंसिडरेशन ली थॉमस हॉब्स ने वह ह्यूमन नेचर के लिए, राइट। फर्स्ट कंसिडरेशन टेकन बाय थॉमस हॉब्स इन स्टेट ऑफ नेचर वाज ह्यूमन नेचर। और हॉब्स के मुताबिक जो ह्यूमन नेचर है वह सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, ठीक है, मतलब इंसान बस अपने बारे में सोचता है और अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना चाहता है, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है, राइट। ह्यूमन नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स ने यह देखा कि कैसे इंसान जो है सेल्फिश है, इगोइस्ट है। तो आखिर क्यों इस तरह का व्यू थॉमस हॉब्स ने उस टाइम पे ह्यूमन नेचर के बारे में लिया, उसके बारे में समझते हैं और इसके पीछे उसने क्या साइंटिफिक रेशनलिटी दी। So what was the scientific reason behind such kind of proposition by Thomas Hobbes, where he has considered human to be selfish and egoist? So, इसके पीछे जो scientific reason है उसे देखते हैं। Actual में Thomas Hobbes के समय पे बहुत सारे scientists थे, जैसे Galileo हो गया, और he was very much inspired by those people, और उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि रिलीजन वाज अटैक्ड और एवरीथिंग वाज गिवन अ साइंटिफिक कंसीडरेशन, जो भी चीजें हैं उसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आ गई थी, राइट। तो थॉमस हॉब्स डिड, ही यूज्ड साइंस इन पॉलिटिकल साइंस आल्सो। उसने कैसे ये किया इसके बारे में देखते हैं। थॉमस हॉब्स ने बोला कि यूनिवर्स में सारी चीजें लॉज ऑफ मोशन से ऑपरेट होती है, राइट, लॉज ऑफ मोशन से ऑपरेट होती है। अब लॉज ऑफ मोशन में थॉमस हॉब्स ने बोला कि हमारे शरीर के अंदर दो तरह के मोशंस ऑपरेट करते हैं, पहला जिसको वॉलंटरी मोशन बोलते हैं, राइट, दूसरा जिसे वाइटल मोशन बोलते हैं, दूसरा जिसे वाइटल मोशन बोलते हैं। वाइटल मोशन का मतलब यह है कि इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये बॉडी में इस तरह के मोशंस हैं जो अपने आप ऑपरेट करते हैं, राइट, खुद से ऑपरेट करते हैं, जैसे ब्रीदिंग हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, ये ऐसे मोशंस हैं जो बॉडी के अंदर खुद से ऑपरेट करते हैं, ये हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग हो गई, राइट, एक्सक्रीशन हो गया। सो दीज आर वाइटल मोशंस ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो कि बहुत ही एसेंशियल है हम जो है, ताकि जो है हम सही तरीके से अपने लाइफ को सस्टेन करें, इसके लिए वाइटल मोशन का होना जरूरी है। दूसरे जिस तरह के मोशन की बात की उसने, वॉलंटरी मोशन की बात की, राइट। वॉलंटरी मोशन को किस तरीके से थॉमस हॉब्स ने समझाया, थॉमस हॉब्स ने बोला कि हम जो भी चीजें देखते हैं और जो हमारी चीजें, जो चीजें देखने की वजह से सेंसेज उन्हें रिसीव करते हैं, राइट, जो भी चीजें हमने देखी उसे सेंसेज रिसीव करती हैं। अब सेंसेस रिसीव करते हैं तो दो चीजें होती हैं, या तो उस चीज को देखकर आपको अट्रैक्शन होगी या तो रिपल्सन होगी, राइट। तो इसको पर्टिकुलरली थॉमस हॉब्स ने बोला डिजायर होगा
अगर अट्रैक्शन होगी तो ऑब्वियसली उसके बारे में डिजायर होगा, रिपल्सन होगी तो एवर्जन होगा, राइट? अगर किसी चीज के लिए डिजायर है, किसी चीज के लिए डिजायर हो रहा है, तो थॉमस हॉब्स के मुताबिक इससे जो है आपका वाइटल मोशन, जो शरीर के जो ये मोशंस है जो कि सेल्फ रेगुलेटेड है, खुद से होते हैं, यह स्केल अप हो जाएंगे, यह बढ़ेंगे, राइट? और अगर एवर्जन है किसी चीज के लिए तो ये जो वाइटल मोशंस है ये घटेंगे, ठीक? तो इस बात को समझिए कि अगर किसी चीज के लिए डिजायर, जो माइंड किसी भी चीज को डिजायर कर रही है, चाह रही है, तो इससे आपका वाइटल मोशन बढ़ रहा है, और किसी चीज को इग्नोर कर रही है, अवॉइड कर रही है, नहीं चाहती है कि आपके पास आए, तो उसको माइंड जो है रिपेल करने की कोशिश करेगा, और उससे जो शरीर का वाइटल मोशन है वह डिग्रेड होगा, कम होगा, राइट? तो इस वजह से, इस डिजायर और एवर्जन की वजह से मैन गोज फॉर कॉन्फ्लिक्ट, राइट? अब ह्यूमन नेचर में देख लिया कि ह्यूमन नेचर में हमने अभी तक बात कर ली कि डिजायर और एवर्जन होता है, राइट? डिजायर, और इस डिजायर की वजह से राइट इंसान कॉम्पीट करता है एक दूसरे के साथ, क्योंकि ये डिजायर्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, डिजायर्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड, सो व्हाट हैपेंस, सो व्हाट हैपेंस, देयर इज कॉम्पिटिशन विच ऑपरेट्स, राइट? क्योंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और आपके डिजायर्स अनलिमिटेड है, तो एक तरह का स्ट्रगल और कंपटीशन स्टार्ट होता है ह्यूमंस के बीच में भी। और कहीं ना कहीं थॉमस हॉब्स को लगता था कि सभी इंडिविजुअल पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ फुलफिलिंग देयर डिजायर्स दे आर इक्वल इन पावर। अगर मान लीजिए कोई जो है फिजिकली ज्यादा पावरफुल है तो उसको कंपनसेट कर दिया कर सकता है वो जो कि मेंटली पावरफुल है, और अपने उस डिजायर को कंप्लीट करना कर सकता है जो कि वो सोचता है, जो कि वो चाहता है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन में इस पिक्चर के बाद थॉमस हॉब्स ने बताया कि दिस ऑल इज लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर, क्योंकि इंसान के जो एक्शन की सर्टेनिटी है वो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि वह अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है। तो कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की सिचुएशन है जिसको थॉमस हॉब्स ने बोला एवरी मैन इज इन स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट एवरी मैन, राइट? तो अब ऐसी सिचुएशंस को टैकल करना है और आपको इस स्टेट ऑफ नेचर से स्केप करना है, राइट? इसके लिए थॉमस हॉब्स ने कुछ मेजर सजेस्ट किए और जिसको थॉमस हॉब्स ने लॉज ऑफ नेचर बोला। तो लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करते हुए हम सभी स्टेट ऑफ नेचर की उस कंडीशन से निकल सकते हैं जिसमें लोगों की लाइफ शॉर्ट है, ब्रूटिस है, नास्टी है, ठीक है, और बहुत गंदी तरीके की लाइफ है, और डेथ कभी भी हो सकती है, आपकी राइट टू लाइफ खतरे में है, और ऐसी सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कुछ लॉज फॉलो करने पड़ेंगे नेचर के। तो इसके लिए उसने लॉज ऑफ नेचर का कंसेप्ट दिया थॉमस हॉब्स ने। बेसिकली लॉज ऑफ नेचर कुछ नहीं है, यह लॉज ऑफ नेचर हम कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं थ्रू आवर रीजंस। ही टॉक अबाउट 19 लॉज ऑफ नेचर जिसमें कि 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ नेचर है, राइट? उनके बारे में बात करेंगे हम, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ नेचर। तो फर्स्ट ही टॉक परस्यू पीस, राइट, और गो फॉर वॉर। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको मैं एलाबोरेट करता हूं। परस्यू पीस का मतलब है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वह पीसफुली रहे, पीस को परस्यू करे, राइट, कॉन्फ्लिक्ट ना करे। बट अगर उसे लगता है कि आपकी जो पीस है वो खतरे में है, तो पीस को खतरे से निकालने के लिए, राइट, और अपनी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए आप किसी एक्सटेंट तक जा सकते हो, आप वॉर को यूज कर सकते हो एज अ मीडियम टू फॉर योर सेल्फ प्रिजर्वेशन, फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस, राइट?
उसने अपना फर्स्ट लॉ ऑफ नेचर दिया। सेकेंड लॉ ऑफ नेचर की बात की थॉमस हॉब्स ने, दैट सरेंडर राइट टू एवरीथिंग। पहली बात ये की, दूसरी बात की कि अलाउ योरसेल्फ एज मच फ्रीडम एज यू एक्सपेक्ट एज यू अलाउ टू अदर्स। अलाउ योरसेल्फ एज मच फ्रीडम एज यू अलाउ टू अदर्स। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमारे जितने भी, क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर में क्या होता है कि नेचुरल राइट्स जो है अनलिमिटेड है, राइट? यू हैव अनलिमिटेड नेचुरल राइट्स, और यू हैव अनलिमिटेड नेचुरल राइट्स टू द एक्सटेंट दैट यू हैव राइट टू किल एनीवन, अपने जो है डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो ही सेज कि जो आपके सारे नेचुरल राइट्स है, जिसमें आपको कंप्लीट फ्रीडम है, आप अपने सारे नेचुरल राइट्स को सरेंडर करो, राइट? और उतनी राइट्स एंजॉय करो, उतनी फ्रीडम एंजॉय करो जितना फ्रीडम आप दूसरों को दे सकते हो, राइट? तो ये सेकंड लॉज ऑफ नेचर था, और ये सब ये मैकेनिज्म है स्टेट ऑफ नेचर से या स्टेट ऑफ वॉर से बाहर आने का। दीज आर मैकेनिजम्स व्हिच वाज सजेस्टेड बाय थॉमस हॉब्स। तो और थर्ड, परफॉर्म योर कॉवर्नेंट्स का मतलब है कि जो आपने अपने राइट सरेंडर किए हैं, या जितना राइट्स आपको मिला है, जो ड्यूटीज आपको फॉलो करने की मिली है, आप उनको बेहतर तरीके से परफॉर्म करें, आप किसी के राइट्स को वायलेट ना करें। परफॉर्म योर कॉवर्नेंट्स, आप अपने एग्रीमेंट के साथ जस्टिस करें, राइट? पीसफुली जीने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जो थॉमस हॉब्स ने सजेस्ट की। लॉज ऑफ नेचर के बारे में थॉमस हॉब्स ने बोला था कि जो लॉज ऑफ नेचर है, या इन फोरो एक्सटर्नो इंटरनो, और इन फोरो एक्सटर्नो, इनफोरो इंटरनो का मतलब ये है कि ये हमें ऑब्लाइज तो करते हैं कि हम पीस को परस्यू करें, या हम पीसफुली रहे हैं और कंफ्लिक्ट ना करें एक दूसरे के साथ, लेकिन प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकल लाइफ में ऑपरेट होंगे या नहीं होंगे, राइट? कि हम पीस को परस्यू करें या ना करें, या हम लॉज ऑफ नेचर को फॉलो करें या ना करें, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका पैशन होता है, जो आपका डिजायर होता है, वह आपके इस रीजन को, इस लॉ ऑफ नेचर को फॉलो करने से कहीं ना कहीं रोकता है, राइट? पैशन फ्रस्ट्रेट्स योर रीजन एंड फ्रस्ट्रेट्स योर रीजन एंड योर परसुएंस ऑफ लॉज ऑफ नेचर, राइट? तो इस तरीके से हमने लॉज ऑफ नेचर को समझ लिया, देन विल नाउ विल अंडरस्टैंड अबाउट क्रिएशन ऑफ अ सॉवरेन अथॉरिटी। So what Thomas Hobbes says after this, कि इस तरीके की सिचुएशन है स्टेट ऑफ नेचर से, अब आप क्या करो, अब आप एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट करो, राइट? और इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो लोग हैं, समाज के लोग हैं जो स्टेट ऑफ नेचर में हैं, वह एक दूसरे के साथ मिलकर, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लोग जो स्टेट ऑफ नेचर में हैं, वह एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सारे राइट्स को सरेंडर कर दें एक कॉमन अथॉरिटी, राइट? एक कॉमन अथॉरिटी को अपने सारे राइट्स सरेंडर कर दें, राइट? Surrender all your rights to common authority except right to life. तो right to life को छोड़कर आप अपने सारे
सारे राइट्स को एक कॉमन अथॉरिटी को सरेंडर करिए एंड दिस कॉमन अथॉरिटी विच थॉमस हॉब्स सेड एज अ एब्सोल्यूट सॉवरेन और उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया हॉब्स ने विच वी कॉल एज लेवियाथन राइट which we call as a Leviathan. So he said ki surrender all your rights to a common sovereign which is absolute in nature right except your right to life. Ab jo ye common authority hogi ya common sovereign hoga what he will do kyunki social contract mein jab human ka nature usne predict kiya to aap selfish rahoge hi aap egoist rahoge hi अगर सेल्फिश और इगोइस्ट रहोगे तो जरूरी है कि आप अपने डिजायर्स को परस्यू करोगे राइट तो इंसान अपने डिजायर्स को परस्यू करेगा ये बात जो है हॉब्स को पता थी आप अपने डिजायर्स को परस्यू करो कोई दिक्कत नहीं है इस डिजायर्स को परस्यू करते हुए कॉन्फ्लिक्ट होगा राइट कोई दिक्कत नहीं होने दो लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको ऑर्डर और पीस कौन प्रोवाइड करेगा यह कॉमन अथॉरिटी This common authority will ensure कि जब आप जो है स्टेट आप नेचर से निकल कर एक पॉलिटिकल सोसाइटी में आते हो सिविल सोसाइटी में आते हो एक एब्सोल्यूट सॉवरेन क्रिएट करते हो वह एब्सोल्यूट सॉवरेन इस बात का ध्यान रखेगा कि इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट को हमेशा परस्यू करे अपने डिजायर्स को परस्यू करे जो करना चाहता है वो करे लेकिन उस इस वजह से कि वह इंसान अपने एक डिजायर को परस्यू कर रहा है और कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रही है इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है उसको टैकल करने के लिए उसको टैकल करने की जिम्मेदारी उस कॉमन अथॉरिटी की होगी जिसे जो है इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्रिएट किया गया है राइट लेवियाथन की जिम्मेदारी होगी कि लोग जो है डिजायर्स को भी परस्यू कर सकते हैं इंडिविजुअलिज्म को भी परस्यू कर सके और लेकिन एक ऑर्डर्ड मैनर में परस्यू कर सके पीसफुल मैनर में परस्यू करे किसी की लाइफ जो है खतरे में ना हो और आसानी के साथ जो है अपने एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके तो यही से हम समझते हैं कि किस तरीके से जो एब्सोल्यूट कैरेक्टर दिया गया है राइट एब्सोल्यूट कैरेक्टर जो कि लेवियाथन को दिया गया है वह इंडिविजुअलिज्म को सपोर्ट करने के लिए दिया गया है इंसान अपनी एक्टिविटीज को परस्यू कर सके पीस और ऑर्डर्ड मैनर में राइट अपने डिजायर्स को परस्यू कर सके इंसान को इन पीसफुल मैनर इन पीस एंड ऑर्डर्ड मैनर और यह तभी पॉसिबल होगा जब एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी होगी सबको कंट्रोल करने के लिए राइट सो वी कैन सी हियर कि हाउ एब्सोल्यूटिज्म इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू इंडिविजुअलिज्म राइट सो यहां पे वी हैव कम टू अंडरस्टैंड द बेसिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी ऑफ थॉमस हॉब्स राइट अब हम जो ये एब्सोल्यूट कैरेक्टर है एब्सोल्यूट सॉवरेन उसके पावर की बात कर लेते हैं सो दिस एब्सोल्यूट सॉवरेन व्हिच थॉमस हॉब्स कॉल्ड एज लेवियाथन हिज अथॉरिटी इज अनडिवाइडेड राइट हिज अथॉरिटी इज अनडिवाइडेड इज एब्सोल्यूट राइट एंड परमानेंट तो क्या मतलब है इसका अगर लेवियाथन की अथॉरिटी अनडिवाइडेड है इट मींस ही होल्ड्स ऑल द पावर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल ही होल्ड्स ऑल द पावर्स राइट और एब्सोल्यूट मींस कि कमांड ऑफ सॉवरेन इज सैक्रोसैंक्ट Command of sovereign is sacrosanct. It cannot be challenged. Unchallenged command of sovereign. और इस तरीके से absolute है कि even in terms of laws, right? It is the authority of sovereign which will prevail. इसीलिए हम बोलते हैं इसीलिए जो है इस monarch को या absolute sovereign के ऊपर किसी तरीके का कंट्रोल नहीं है किसी भी एस्टैब्लिश्ड लॉ के द्वारा या किसी भी एस्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा राइट एंड परमानेंट परमानेंट मींस
Once you have created a sovereign by going into a social contract, you cannot destroy this social contract and create a new social contract to make a new sovereign, to establish a new sovereign authority. आप ये नहीं कर सकते हो कि आप एक बार फिर से social contract करके एक नया sovereign बना लो. So the nature of this sovereign is permanent, right? या उसी केस में हो सकता है कि जब sovereign legitimacy lose कर जाए, जब sovereign आपकी right to life को protect ना कर पाए, पीस और ऑर्डर को मेंटेन ना कर पाए, उसी केस में कोई दूसरा अगर पावर स्ट्रगल करता है और पावर को कैप्चर करके आपको पीस और ऑर्डर प्रोवाइड करता है, तो ही बिकम्स योर लेजिटिमेट सॉवरेन. तो थॉमस हॉब्स ने ये जो सॉवरेन था उसको दो टर्म से बताया था, एक इंस्टीट्यूशनल सॉवरेन जिसको आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बनाते हो, एक एक्विजिशन के थ्रू जो कि रेबेलियन के द्वारा सॉवरेन क्रिएट होता है, राइट? तो परमानेंट. अब ये जो परमानेंट कैरेक्टर था, इसमें थॉमस हॉब्स ने एक चीज मिस की, और वह चीज थी कि थॉमस हॉब्स डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन स्टेट एंड गवर्नमेंट. जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं स्टेट इज अ फिक्स्ड फिनोमेना, स्टेट विल रिमेन, इंडिया एज अ स्टेट विल ऑलवेज बी देयर, बट जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, यू नो, पीरियोडिकली. इलेक्शंस होते हैं, पांच साल के बाद नई गवर्नमेंट आती है, फिर इलेक्शंस होते हैं. अब जो गवर्नमेंट होती है वो स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म करती है और उसके बाद चली जाती है. सो गवर्नमेंट ऑपरेट्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट्स, राइट? तो ही डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द स्टेट, दैट वी नीड टू नो. तो हॉब्स के मुताबिक गवर्नमेंट एंड स्टेट वाज द सेम वन, राइट? और किस तरीके से इन्होंने, हाउ हॉब्स वाज इंडिविजुअल, राइट? हाउ हॉब्स बिकेम एब्सोल्यूट, उसको हमने अभी देख लिया, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय मेकिंग अ पिक्चर. सपोज दिस इज लाइक, दिस इज लेवियाथन, ये लेवियाथन है, एंड दीज आर स्मॉल पीपल. इसका मतलब क्या है कि यह जो एब्सोल्यूट किंग है, राइट, एब्सोल्यूट सॉवरेन है, यह इनको जो है इसके जो पावर की लेजिटिमेसी है इन लोगों के द्वारा दी गई है. इन सभी ने अपने सारे राइट्स को सरेंडर किया, अपने सारे पावर को सरेंडर किया, और इन्होंने इस एब्सोल्यूट सॉवरेन को यह पावर दिया कि आप हमको गवर्न करो. यू हैव द राइट टू गवर्न अस, राइट? यू हैव राइट टू गवर्न अस. आप हमें किस लिए गवर्न करो? ताकि हम अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को, अपने डिजायर्स को परस्यू कर सके, राइट? अब हम अपने डिजायर्स को परस्यू कर रहे हैं और हमें खतरा है, हमारी राइट टू लाइफ खतरे में है, यह बचाना आपका काम है, राइट? सो एक तरीके से यहां पे एब्सोल्यूट कैरेक्टर जो कि स्टेट को दिया गया, वह इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट कर रही है. व्हाट इज इट प्रमोटिंग? इंडिविजुअलिज्म. अगर स्टेट में ऑर्डर नहीं रहेगा, राइट, तो किस तरीके से इंडिविजुअल्स अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकेंगे? दे विल नॉट एबल टू सर्वाइव, राइट? सो वी एंड दिस लेक्चर हियर. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी मोर डिस्कसिंग ऑन थॉमस हॉब्स एज अ लिबरल, उसकी जो लिबरल या इलिबरल की फिलॉसफी को देखेंगे, राइट? लिबरल उसको इस सेंस में कहा जाता है हॉब्स को, कि थॉमस हॉब्स ने जो है सारे लोग हैं, राइट, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और एक स्टेट की फॉर्मेशन करते हैं, उन सारे लोगों का स्टेटस इक्वल ट्रीट किया, राइट, कि सभी इक्वल हैं, सभी के राइट्स इक्वल हैं, और इस तरीके से उनको जो है हम लिबरल बोलते हैं, ही इज अ लिबरल. और जो है इंडिविजुअलिज्म को लोग परस्यू करते हैं, राइट, और इलिबरल इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने एब्सोल्यूट अथॉरिटी दी एक सॉवरेन किंग को, राइट, तो कहीं ना कहीं एक इलिबरल एलिमेंट आ जाता है थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फिलॉसफी में. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, एंड देन वी विल फिनिश दिस थॉमस हॉब्स, एंड देन वी विल स्टार्ट विद जॉन लोकी. थैंक यू सो मच.